मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कबीर पंत के संत समागम कार्यक्रम में शामिल होने मुंगेली पहुंचे, जहां सभा स्थल पर सीएम का कबीर पंत के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ के 3 मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर भी पहुंचे थे, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित कबीर पंत के लोगों को सीएम ने साहेब बंदगी के साथ संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कबीर पंथ के संत समागम कार्यक्रम में शामिल होने मुंगेली पहुंचे, जहां सभा स्थल पर सीएम का पंथ समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ के 3 मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर भी पहुंचे थे। हजारों की संख्या में कबीर पंथ के लोगों को सीएम ने साहेब बंदगी नारे के साथ संबोधन शुरू किया और अपने संबोधन में भूपेश बघेल ने सद्गुरु कबीर के भाईचारे एकता के दिए गए संदेश पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कबीर का समागम होना शांति का प्रतीक है, कबीर के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है और सीएम ने कबीर के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि निंदा करने वालों को सुनना चाहिए, ना कि उनसे दुश्मनी निभानी चाहिए। सीएम ने एक बार फिर एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सीएम ने कहा आधार कार्ड, परिचय, ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास तो है, फिर नागरिकता कानून के आड़ पर केंद्र सरकार लोगों को परेशान क्यों कर रही है। कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी के बारे में चर्चा करते हुए किसानों के लिए राहत की बात कहते हुए कहा कि अंतर की राशि हर हाल में किसानों को दी जाएगी, हालांकि किस योजना से दिया जाएगा यह घोषणा बजट सत्र में किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान कबीर पंथ के प्रकाश मुनि साहेब की शराबबंदी की मांग पर सीएम के द्वारा पहले शराब छुड़ाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद ही शराबबंदी की जाएगी, वरना कई शराब के आदि लोग परेशान हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कच्ची शराब की बिक्री होने लगेगी। इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आने की जरूरत है। कबीर पंथ के समागम प्रकाश मुनि नाम साहब के सानिध्य में हुआ और हजारों श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं और कबीर ही एक ऐसे संत जिसके रास्ते पे चलकर हम सब शांति की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि कबीर जी का अनुयायी सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और वही एक रास्ता है जिसमें हम इस देश में समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं। सर, जिले में पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, 4-5 ऐसे ब्लाइंड मर्डर हैं जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है, जुआ सट्टा जोरों पर है यहाँ पर। चलिए मैं देखता हूँ। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एनआरसी और सीए को कांग्रेस का कानून बताया है, कांग्रेस को पुराने कांग्रेस की सरकार नहीं लाया। देखिए ये लोग अब लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी बोलेंगे।